अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि आप जानते हो कि आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एमएस ऑफिस का। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप सब हैरी ऑफिस से होंगे। बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, एक दफ़ा उसको उधर रिवीजन कर लेते हैं। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग। बेटा अभी तक हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं। इसके अलावा इंसर्ट करने बेटा हमने पेजेस और टेबल पढ़ लिया है। ठीक है बेटा, अब हम इसके बाद आगे देखेंगे आज के बकाया फीचर्स का क्या इस्तेमाल है। जैसे बेटा देखें कि आज हमने पढ़ना है इलस्ट्रेशन। ये क्या होता है बेटा कि आपने कोई पिक्चर ऐड करनी है वर्ड के अंदर, था अपने इस हेडिंग से कर सकते हैं। किससे? इलस्ट्रेशन से। ठीक है बेटा, इसमें पहला टॉपिक क्या है बेटा? इसमें पहला टॉपिक है पिक्चर्स का मतलब। मैं आपको बताता हूँ, देखो बेटा यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो साथ ही मेरा कंप्यूटर का ना फोल्डर ओपन हो जाएगा। आपने कहाँ से पिक्चर अपलोड करनी है इसके अंदर चेक कर लेते हैं। सिस्टम में कोई पिक्चर पड़ी हुई है तो हम अपलोड कर ना देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो बेटा जैसे कि यहाँ पे आके ना यहाँ पे एक पिक्चर पड़ी होगी। मैं आपको बताता हूँ एक मिनट, ये देखो इस चैनल जैसा ये तीन पिक्चर है मेरे पास पड़ी हुई। ठीक है, अब मैंने ये कोई भी पिक्चर आपने तो आपको एग्जाम्पल था है ना पिक्चर का। अब यहाँ पे कोई भी पिक्चर अगर आपने वर्ड पे ओपन अपलोड करनी है तो क्या करोगे, इलस्ट्रेशन में जाओगे, यहाँ साइड से देख लोगे आपका ना किस प्लेस पे आपने अपने रखा हुआ है। मीन्स के अपने पे पिक्चर्स रखी हुई हैं, अपने लोकल लिस्ट में रखी हुई हैं, डॉक्यूमेंट्स में रखी हुई हैं, जहाँ रखी हुई हैं वहाँ से ओपन करके बेटा आप उस पर क्लिक करोगे। ये क्लिक किया और इंसर्ट, अब पिक्चर हमारी यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब इस पिक्चर यहाँ पे आ गई बेटा, पिक्चर के ना थोड़ी सेटिंग भी होगी। जैसे कि अगर आपने इसकी ब्राइटनेस देखनी है, कॉन्स्ट्रैक्ट इसको कलर करना है, या कंप्रेस करनी है पिक्चर को जो साइज छोटा बड़ा, या चेंज पिक्चर करनी है, चेंज करनी है, फिर इसको रीसेट करना है, रीसेट होगा तो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो बेटा आ गया। अब ये ना पेज मतलब पिक्चर के चला रहे, पिक्चर को किस तरह कितना बड़ा रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे ऐसे, इस तरह ना मुख्तलिफ सारे फॉन्ट्स आपके पास मौजूद है बेटा। देखो अब इस तरह के हर तरह के फॉन्ट आपको मिल जाएंगे, हर तरह के। देखो इस तरह करना है, अगर नॉर्मल तो फिर नॉर्मल कर लो दोबारा। ठीक हो गया बेटा, अब बेटा देखो सर नेक्स्ट क्या क्या था, पिक्चर शेप, वही पिक्चर को आपने किस शेप में लेके आना है। ठीक है, उस शेप में पिक्चर को आप आसानी से लेकर आ सकते हो। ठीक हो गया बेटा, उसके अलावा अब आगे बेटा आएगा ये पिक्चर बॉर्डर। अगर पिक्चर में कोई बॉर्डर लगाना चाहते हो तो वो आप आसानी से लगा सकते हो। पिक्चर सेलेक्ट की, यहाँ पे आए, मैंने लगाना है बॉर्डर येलो कलर का, मैं क्लिक करूँगा, ये देखें बॉर्डर येलो कलर का आ गया। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा आगे क्या है, पिक्चर इफेक्ट्स। अगर आप पिक्चर को 3D करना चाहते हो इस तरह, देखो पिक्चर इस तरह हो जाएगी। अब इस तरह पिक्चर को आपने कोई ना कोई शेप या कोई ना कोई इफेक्ट देना है तो आप वो यहाँ से आसानी से आप दे सकते हो। बिलीव करना आप ये देखो इस तरह कर लो, तो ये आप इसको ना मतलब पिक्चर्स को आप मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स दे सकते हो। ठीक है बेटा, बेटा आगे देखो आगे क्या है हमारे पास, टेक्स्ट फॉर्म। ये बहुत काम की चीज़ है बेटा, अगर आप इसे तो कर लो टेक्स्ट फॉर्म इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, देखो इन लाइन भी टेक्स्ट कर सकते हो आप, स्क्वायर शेप में कर सकते हो, हाइट शेप में कर सकते हो, उसके बाद बिहाइंड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उससे अगर पिक्चर ऐड करो तो पिक्चर काफ़ी बड़ी है तो डॉक्यूमेंट सारा हड़ा बोर्ड है, तो पिक्चर अपलोड करने के बाद से क्या कर दो, बिहाइंड द टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। उससे क्या होगा, बिहाइंड टेक्स्ट मैंने कर दिया ना, मैं इस पिक्चर को कहीं भी ले जा सकता हूँ, इसका साइज छोटा कर सकता हूँ, फिर वापस ले आऊँगा। ठीक है, अगर तक अगर वो अगर मैं फर्ज करो यहाँ से इसको वो ही रहने दूँ, अब मैं इसको मूव नहीं कर सकता, मूव करने में काफ़ी ज़रा मसला देगी। अब मैं क्लिक करके यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दूँगा तभी मूव हो जाएगी, इन बैक ऑफ टेक्स्ट कर दूँगा तो तभी मूव हो जाएगी। ये कुछ थे, फोटो क्रॉप करना है अपने साइज के साइज लिखो, उस साइज के हिसाब से फोटो क्रॉप हो जाएगी। ठीक हो गया बेटा, ये मैंने आपको बेटा एक्सप्लेन किया कि आप इंसर्ट के अंदर जो पिक्चर्स हैं और पिक्चर्स के अंदर जो ऑप्शंस आती हैं उसको। ठीक है बेटा, आगे बेटा क्या आ रहा है, क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है बेटा, देखो क्लिप आर्ट क्लिक करता हूँ, देखो ये आगे पास हम अगर आपने वही बेटा कुछ पिक्चर्स रखी हुई हैं तो आपने उन पिक्चर्स को ऐड करना तो उसके लिए होता है। ठीक है, क्लिप आर्ट का ज़रा इतना काम नहीं होगा, इसका काम है शेप्स का। अगर आपको किसी भी किस्म की शेप चाहिए, सर्कल, ट्रैंगुलर, तो शेप आप यहाँ से ले सकते हो आसानी से। ठीक है बेटा, अब ये शेप चाहिए क्लिक कर लिया, यहाँ पे आया माउस पे क्लिक किया, कौन सा वाला बेटा, लेफ्ट वाला, फिर माउस को ड्रैग किया, ये शेप बन गई। ठीक है बेटा, इस तरह के आप शेप्स भी आसानी से बना सकते हो। उसके अलावा बेटा क्या और कौन सा काम है, तो ये स्मार्ट आर्ट, कि आपने इस तरह की कोई चीज़ बनानी है, आपने ये क्लिक करके उन्हें ओके कर दिया तो ये बस आ गए। ये बेटा बेटा ये भी ज़्यादातर ना आपके वहाँ काम आते हैं, ये क्या कहते हैं हम, आप कोई किसी में कैसे कि अगर आप असाइनमेंट बना रहे हो या आप कहीं ना मतलब आपके साथ तीन तरह के आपने कोई बोर्ड साइन बनाना है या आप ना कुछ भी कोई पिक्चर डिज़ाइन कर रहे हो तो
ये चीज़ें सारी ना वहाँ पे बहुत अच्छा काम आती है। उससे 3 पॉइंट से बस आ गए हैं। अब मैं एक पर नेम लिख सकता हूँ, एक में क्लास है, एक में रोल नंबर, इस तरह आसानी से कर सकता हूँ बेटा। ठीक है, बेसिकली ये सारी क्या है हमारे पास शेप्स हैं। ठीक है, अब बेटा देखो इंसर्ट में ये क्या आ गया, बस शेप्स आ गई। ठीक है, ये स्मार्ट आर्ट आ गया। अगर आपने इनमें से कोई लेना था ले सकते हो आसानी से, बस बहुत सारा मौजूद होंगे मुख्तलिफ किस्म के। ठीक है बेटा, ये सारी आपके असाइनमेंट्स में, ठीक है, आपके कैटलॉग में, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। ठीक है बेटा, अगर आगे देखो, आगे हमारे पास क्या होगा, आ गया बस चार्ट। फर्स्ट करो बेटा, आप काम कर रहे हो स्टैट्स का, स्टैट के सुनो, स्टैट को मैं आपके सामने समझेंगे। आपको चार्ट चाहिए बेटा, कॉलम का, पाई बार का, एरिया का, एक्स वाई सेक्टर का, स्टॉक का, सरफेस का, डबल डॉटेड का, फिर रेडर का, ये सारे बेटा जो आपको स्टैट्स के अंदर यूज होते हैं, मैथ्स में यूज होते हैं, तो ये सारे आपको यहाँ से टोटली ग्राफ मिल जाएंगे, क्लिक करना ग्राफ आपके सामने। ठीक हो गया बेटा। उसके अलावा बेटा अब ये था आपका बेटा इलस्ट्रेशन का पूरा एक टॉपिक। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इलस्ट्रेशन की और इनके अंदर के फंक्शन की समझ आ गई होगी। आप सब बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे लिंक, फिलहाल हम लिंक को स्किप करते हैं, हम उससे आगे आते हैं। ठीक है, यहाँ क्या आ रहा है, हेडर फुटर, ये क्या होता है। फर्स्ट करो बेटा, आपने है ना कोई ना 40 सफ़ों का लिख रहे हो, आप चाहते हो कि मुझे हेडर फुटर बार बड़ा, हेडर का क्या काम क्या होता है। हेडर क्लिक किया मैंने, ये बस सारे मुझे हेडर आ जाते हैं, मैंने कोई भी खेड़ क्लिक कर लिया। मैंने यहाँ पे स्कूल का नेम लिख लिया, फर्स्ट का मेरे स्कूल का नाम है अल्लामा इकबाल है, तो मैंने लिख लिया बेटा अल्लामा इकबाल के अल्लामा अल्लामा लिखवा। ठीक है, मैंने लिख लिया अल्लामा। अब मुझे हर पेज के ऊपर ना अल्लामा लिखना नहीं पड़ेगा, क्यों बेटा, मैंने एक दफ़ा लिख लिया ऊपर उसके किसमें, उसके हेडर में। ठीक है, अब लिखने के कर दिया, ये आ गया। ठीक है बेटा, नीचे आके मैंने इसको एंटर दे रहा हूँ, जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज में। बेटा देखो, नेक्स्ट पेज में आऊँगा तो वहाँ भी क्या होगा, वहाँ भी पहले ही अलामा लिखा हुआ है, क्यों, मैंने उसके हेडर में सीक्वेंस ना दिया था। इसके अलावा बेटा क्या आए, फुटर है। फुटर का सवाल होता है बेटा, आपने अगर लिख रहे हो, नंबरिंग दे रहे हो, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, इस तरह नॉट फॉर सेल लिखा था उसके नीचे, वो सारे कहाँ से होते हैं, हेडर में, हम बार बार नहीं करते, सॉरी फुटर में हम बार बार नहीं करते। ठीक है, और आप सारी बुक के ऊपर देखते हो, आपने लिखी होती है एक ऐसे पंजाब टेक्स्ट बुक या हर बुक का नेम लिखा होता है, वो बेसिकली एक दफ़ा आप हेडर में ऐड कर दो, आपके हर पेज में ऑटोमेटिकली ही ऐड हो जाएगा। ठीक है, और फुटर में अगर आप पेज नंबर ऐड कर, आप ऐड एक दफ़ा कर दो तो आगे नेक्स्ट पेज जाओगे तो पेज नंबर 2 आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली ही सारे कुछ ऐड हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब उसके अगर क्या है, पेज नंबर, वो भी इसी में आता है ना हेडर फुटर के अंदर। अब पेज नंबर लिख के आप देखते हो टॉप में रखना है अपने, बॉटम में रखना है, पेज मार्जिन के अंदर आपने कहीं रखना है, ऊपर फर्स्ट साइड या लेफ्ट साइड फिर नीचे, उस आपने करंट पोजिशन में रखना है, फॉर्मेट एंड नंबर्स, रिमूव वाल पेजेस ऑफ नंबर, और आपने रिमूव करना तो एक साथ रिमूव भी कर सकते हो, और आपने रखना था इस तरह मुख्तलिफ किस्मों का भी रख सकते हो। बेटा अभी था हमने 2 चीज़ें पढ़ ली हैं, एक इलस्ट्रेशन और एक हेडर एंड फुटर। ठीक है, इसके बाद बेटा हम अब आएंगे आगे, मैं ना ये लिंक और टेक्स्ट को बाद में एक्सप्लेन करूँगा। बेटा अब आ जाओ सिंबल में, क्योंकि सारे तीन ना मिलते जुलते हैं, सिंबल बेटा आपका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आएगा। अच्छा ये क्वेश्चन है ना, अब आप हर तरह की क्वेश्चन लिख सकते हो, ये तो बेटा आपको मैथ का काम अगर आप करो तो आपको क्वेश्चन लिखने में बड़ा मसला होता है, ऐसे जब नॉर्मल थे हम अपने रिश्ते बटा नहीं आता, या आप बेटा एक्सपेंशन ऑफ सम रिश्ते बेटा बटा नहीं आता, या फिर हमारे पास फैक्टोरियल नहीं आता, या हमारे पास पावर में एन नहीं आता, इस तरह के ना हम ओवर में नहीं लिख सकते हैं। बेटा ये सारे ना आपके जितने भी गिले शिकवे हैं ना बेटा, ये सारे आपके ना ये इक्वेशन पूरी खत्म पूरी तरह से खत्म कर देगा। इंसर्ट न्यू क्वेश्चन करनी है तो भी आपके पास सारे फीचर्स आ गए हैं। ठीक है, पर क्वेश्चन का, पाई का, इक्वल नॉट इक्वल, उसके अलावा यहाँ पे देखो ना ये इंच दे, ये सारे आ गए आपके पास। ठीक है बेटा, इसके अलावा ये फ्रैक्शन में करना है, आपने फ्रैक्शन में कर सकते हो, यहाँ पे स्क्रिप्ट में करना है, रेडिकल में, इंटीग्रेशन में, लार्ज ऑपरेशन में, इस तरह आप सारा कुछ आप आसानी से वर्ड के अंदर आप मैथ के क्वेश्चन को लिख सकते हो। ठीक है, प्रॉपर डिटेल मैट्रिक्स से लेकर हर डिटेल आपके पास मौजूद आ गई है। ठीक है बेटा, ये तो आप आसानी से आप कर लोगे। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट टॉपिक के आगे पास ये इंसर्ट में आते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्या है, सिंबल। सिंबल क्या होते हैं कि बहुत से लोग होते हैं इनको सिंबल्स नहीं मिलते, कि सर हमें ये गामा नहीं मिल रहा, हमें बीटा नहीं मिल रहा, सर हमें ये अल्फ़ा नहीं मिल रहा, या फिर हमें ना ये बिलोंग नॉट बिलोंग नहीं मिल रहा, इन्फिनिटी नहीं मिल रहा, सम ऑफ नहीं मिल रहा, बीटा पाए गामा ओम ऐसे इसको हम कहते हैं ओहम। ये सारे ना फीचर्स आपको, सारे सिंबल्स आपको यहाँ से सब आसानी तौर पे मिल जाएंगे, कहाँ पे, सिंबल्स के अंदर। ठीक है बेटा, ये देखो यहाँ पे अगर आप मोर सिंबल्स करोगे तो आपके पास हर किस्म का सिंबल मौजूद होगा। देखो आपके पास हर किस्म का सिंबल मौजूद है, उर्दू में, इंग्लिश में, आपको जो सा भी चाहिए आप वो उसका नाम सर्च कर लें तो यहाँ पे आप सर्च ढूंढ सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको आज इंसर्ट के अंदर आपका 4 टॉपिक्स मैंने क्लियर कर दिए, कौन कौन से, पेजेस,
टेबल, इलस्ट्रेशन और सिंबल्स। ठीक है बेटा, इलस्ट्रेशंस और सिंबल्स। बेटा यहाँ पे बेसिकली आपने क्या करना है, मुझे ना पहले तो आपने इलस्ट्रेशन में क्या करना है, कोई सी भी अपनी मर्जी की एक पिक्चर ऐड करनी है आपने। और पिक्चर ऐड करने के बाद आपने बिहाइंड द टेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने पिक्चर को छोटा करके नहीं, जस्ट पिक्चर के बारे में एक लाइन लिख देनी है। ठीक है बेटा, उसके अलावा सेकंड काम करना है बेटा आपने, मुझे मैथ्स की चार क्वेश्चंस लिख कर देनी है जिसमें सिंबल्स भी इस्तेमाल हुए हों। कॉस टेन हो, जब अपनी मर्जी की कोई सी भी चार क्वेश्चंस मुझे आपने लिख के सेंड करनी है। ये आपका टास्क है। और बेटा बकाया आपको इन चार में से समझ ना आए तो आप मुझसे लाजमी रब्ता कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। उसके अलावा बकाया आपका टोटल क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, अब लिंक था वो और ये है टेक्स्ट है बेटा, ये मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ये ना थोड़ा सा मुख्तलिफ है उससे और, बट ये ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा देखो कि आप लोग ना टास्क अपने कंप्लीट करो। ठीक है, लेक्चर डाउनलोड करने डाउनलोड कर लो, और आपने वैसे देखने वैसे देखो। ठीक है, लेक्चर देखने के बाद बेटा अपना टास्क कंप्लीट करो। उसके अलावा बेटा आपको मैंने एक और बात बताऊँ तो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और चैनल का लिंक सब बच्चे अपने स्टेटस पे लगाए हैं और लिखे गए, चैनल को लाइक करो या फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ये सब बच्चे ना चैनल की जितनी ज़्यादा प्रमोशन होगी उतने ज़्यादा लोग आएंगे ना कुछ सीखने के लिए। तो ये भी ना एक सदका ही होता है कि आप ना इलम को आगे फैला रहे हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ये ज़रूर करोगे। ओके बेटा, मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ। आज मैंने आपको चार चीज़ें पढ़ाई हैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ, पेजेस, टेबल, इन इलस्ट्रेशन और टेक्स्ट। ये चार चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं, और हेडर एंड फुटर ये पांच चीज़ें हमारी बेटा कम्प्लीट हो गई हैं। फिर दो चीज़ें रह गई हैं, कौन कौन सी, ये लिंक और टेक्स्ट रह गया। उसके अलावा बकाया सिंबल्स, हेडर फुटर, इलस्ट्रेशन, टेबल और पेजेस हमारा क्लियर हो गया बिल्कुल। ठीक है, मुझे उम्मीद है। और आपने करना क्या है, मुझे ना आपने बेटा ये करना कि हेडर करो ना, हेडर आपने मुझे हेडर भी ना कुछ लिख के उसका भी पिक्चर लेके सेंड करनी है। ठीक है, पर उसको आप हेडर पर क्लिक करते हो, पढ़ा गया आप किसी भी स्कूल का नेम दो कुछ भी लिख के नीचे आपने मुझे पेज नंबर, फुटर में मुझे आपने पेज नंबर लिख के मुझे आपने ये दोनों काम और प्रकार टास्क मिले हैं, सारे टास्क मुझे आपने कंप्लीट करके बेटा अब कल 12 बजे से पहले मुझे आपने सेंड करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। तो ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।